16 जून को हमारे सूचना केंद्रीय सूचना मंत्री आ रहे हैं, जो कि इसका उद्घाटन करेंगे। 16 तारीख के बाद आपका ताजमहल वाईफाई से सिस्टम हो जाएगा। इसमें हर सब्सक्राइबर को, जो भी अंदर टूरिस्ट विजिट करेगा, इंडिविजुअल टिकट के अगेंस्ट 30 मिनट्स का हम फ्री नेटवर्किंग दे रहे हैं। उसके बाद फर्दर अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हमारे पास रिचार्ज कार्ड होंगे, जिनसे वो फर्दर उसको यूज़ कर सकता है। This will increase to know, it'll make us to get the knowledge more and more about the Taj Mahal. Many cannot afford to pay money to the guides what they expect, like 200, 250 bucks or maybe 500. It goes from range to range. When we get inside, we have to come to know what each stone, what is it, what is the design pattern. We can instantly Google it through the Wi-Fi service that we have, and we can get the knowledge about it. And also instantly we can upload the photos, share the photos to our friends who stay in our remote, our places back there. मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे वाईफाई की सुविधा देने वाले हैं और टिकट का दाम बढ़ा रहा है 50 रुपये। मेरे ख्याल से ये बहुत कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है अब टूरिस्ट डेवलपमेंट ये कराने के लिए, क्योंकि अभी तो 2 घंटे करने वाले हैं समय अंदर जाके घूमने के लिए। तो इतने कम समय में जो पर्यटक आएंगे वो क्या देखेंगे? अगर वाईफाई की सुविधा दी जाए तो वो वाईफाई का कुछ खास उपयोग नहीं है।